ज़रई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए शौर बेदार करने के लिए गंदम उगाओ मुहिम का आगाज किया गया। तफसीलात जानते हैं मंडी भाउद्दीन से प्राइम न्यूज़ के नुमाइंदे मिर्जा बिलाल से। जी बिलाल, तफसीला से आगाह कीजिएगा। एक सेमिनार मुनक्कद किया गया है जिसमें गंदम की और दीगर फसलों की पैदावार के हवाले से बताया गया है। इस सेमिनार के मेहमान खसूसी ADCR अब्बास जुलकर नैन साहब थे और अभी भी वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जान लेते हैं कि आज के सेमिनार के हवाले से कि वो लोगों को क्या बताते हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेमिनार मुनक्कद करने का जो मकसद है, एक तो ये था कि पिछले साल पैदावारी मुकाबला जो हुआ किसानों के दरमियान, उसमें जो पहली 3 पोजीशंस आई उन लोगों को तारीफ़ी असनाद दी जाएँ ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। दूसरा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और रावलपिंडी से एरिड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे जो अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ। उनके जो एक्सपीरियंसेस शेयर हुए हैं और उनको कंग्रेचुलेट किया जाए और उसको एक साथ, और इसके साथ ये था एक महकमा ज़रात की आगाही मुहिम के तौर पर भी एक इसको जो है वो लिया गया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए तरकीब दी जा सके और हमारी जो गज़ाई ज़रूरियात हैं मुल्क की वो पूरी हो सके। जी बिल्कुल, आपने ADCR पास जुटन की पास हुई थी। सेमिनार का मकसद था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस किया जाए ताकि गंदम और दीगर फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सके और जो मंडी बाल्दीन के विनर फार्मर हैं उनके अंदर शील्ड भी तकसीम की। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, तफसीला से आगाह करने के लिए।